कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग भी कर रहे हैं। और सबसे पहले इसलिए हम लोग को भी ज़रूरत है कि पूरे इसकी फेंसिंग की जाए, फेंसिंग प्रॉपर की जाए, क्योंकि फेंस तोड़ के या पुराना फेंस हो गया था उससे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया। हम लोगों ने कुछ जगह खाली भी की है और ये ड्राइव और चालू करके और भी खाली कराएंगे। अभी पर्यटन सीजन चल रहा है तो अपनी चलाई जा रही है, राम यात्रा पर्यटन सीजन चल रहा है उत्तराखंड में, लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चलाई जा रही है। अभी तो हम लोग गर्मी स्पेशल, उसके पहले होली स्पेशल चलाए थे, ये तो हम लोग का काम ही है। जब भी ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा बुकिंग हम लोग देखते हैं, तो अतिरिक्त स्पेशल चलाए। चार धाम यात्रा के लिए हम चाहे वो ऋषिकेश में या हरिद्वार तक या जो भी जहाँ तक पॉइंट है, क्योंकि चार धाम यात्रा बाद में तो बाय रोड ही करना पड़ेगा, तो जो रेलवे की जहाँ तक पॉइंट है, रेलवे की जहाँ तक कनेक्टिविटी आज की डेट में, वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त ट्रेन चला रहे हैं और चलाने का प्लान है। एकदम सही बोला कि PRS जो थी जो बंद हो गई, जिसमें हम टिकट ले सकते थे, पर यदि आप देख रहे होगे पिछले 10 साल में इंटरनेट का इतना प्रसार हुआ, आप सब लोग मोबाइल से टिकट खरीदते, ऑनलाइन ही खरीदते। हमने जो स्टेशन पे, आप मसूरी की तो बात छोड़िए, यदि देहरादून स्टेशन में आज से 2000 में यदि मान लो 10 काउंटर थे, आज वहाँ 3 काउंटर होंगे, खाली रहता, क्योंकि लोग, हम लोग भी सब यही करते कि ऑनलाइन ले लें, मोबाइल ऐप से ले लें। तो मसूरी में हमने जा, इनफैक्ट न केवल मसूरी, और भी हमारे शायद ऋषिकेश में या उधर भी था ना, मिलिट्री एरिया में था, उनको भी हमने बंद किया। जहाँ भी इस तरह का है, क्योंकि समय के साथ तकलीफ बढ़ रहा है, जैसे आज से 15 साल पहले PCO काउंटर सब जगह होते थे, हम लोग जाके सब STD करते थे, आज एक भी STD नहीं निकलेगा। अभी हम बोले कि STD क्यों बंद कर दिया साहब, जरूरत ही नहीं है। तो समय के साथ बदलाव है साहब। ये तो आज इस स्कूल का 137वां साल हुआ, और जब से स्कूल बना है, उस समय की पद्धति, उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय की सब कुछ अलग थी। हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, जिस ढंग से हम लोग को शिक्षा दी गई थी, और आज परिवर्तन हुआ है। उस समय स्मार्ट क्लास बोल के कोई चीज़ हम लोगों ने सुनी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। तो समय के साथ साथ परिवर्तन होना तो नियम है। तो जैसे क्योंकि स्कूल हम चलाना चाहते, ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है, और हम इसको समय के साथ, जैसे समय की ज़रूरत है, समय की मांग है, बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जाए, ऐसा ना हो कि बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले और फिर बाहर जाके सोसाइटी में जाके वो उनको लगे कि हमने कुछ मिस किया, हमें ठीक से पढ़ाया नहीं गया, हमें ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमारी ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इसलिए समय के साथ रहते हुए, जैसे आज की डेट में जो भी तकनीक, जो भी पद्धति से शिक्षा दी जाती है, उसको हम लोग देना चाहते हैं। और इसलिए समय समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी फैसिलिटीज़ पे इम्प्रूवमेंट, एडिशन, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनको जैसे मालूम है, चारधाम प्रोजेक्ट में ऋषिकेश से, योगनगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का काम चल रहा है। करीब करीब 125 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। ये बन जाने से जो आज रोड से डिस्टेंस करीब 180 किलोमीटर पड़ता है, और जो जाने में करीब 4 घंटा लगता है, वो करीब हमारी जर्नी जब ट्रेन का लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 2 घंटे में हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। वही एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। बाकी कुछ जगह पे सर्वे भी है, सर्वे बहुत इनिशियल स्टेज पे, जैसा कि जानते हैं कि हिमालय, यंग माउंटेन से हिमालय में काम करना काफ़ी दिक्कत है। बट अभी जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें काम काफ़ी अच्छी गति से चल रही है। ये इस प्रोजेक्ट ने यह भी बताया है कि TBM मशीन के द्वारा टनल की बोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसके पहले तक दूसरे, रेलवे ने तो नहीं पर दूसरे विभागों ने, चाहे बिजली के कारण या दूसरे कारण, TBM मशीन का उपयोग करने की कोशिश की थी, इट वॉज़ अ अटर फेलियर। बट हम लोग अभी नए पद्धति से काम कर रहे हैं और TBM मशीन सक्सेसफुली काम कर रहा है, और आशा करते हैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भारतीय रेलवे ये भी प्रूव कर पाएगा कि हिमालयन सेक्शन में TBM से भी काम हो सकता है। देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग हम लोग तो टारगेट बना के रखे हैं कि 26 के एंड तक हो जाए, बट जैसा कि आप जानते हैं कि टनल के काम में कभी कोई बाधा आ जाता है। अभी आपके टनल में एक नवंबर में एक हादसा हुआ था रोड के प्रोजेक्ट में, तो यदि उस तरह से कोई हादसा या कुछ चैलेंजेस ना आए, तो दिसंबर के एंड तक हो जाना, 26 के एंड तक हो जाना चाहिए। हम लोग का एक बड़ा प्रोग्राम सैंक्शन है, जिसमें प्लेटफॉर्म तो क्या, पूरे स्टेशन की अपग्रेडेशन, रीडेवलपमेंट हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। तो भारतीय रेलवे में बहुत सारे स्टेशन है, उसमें हमारे उत्तर रेलवे में ही करीब 140 स्टेशन है। सब जगह डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नई चीज़ें बनाई जा रही है दोनों तरफ स्टेशन को। दोनों जनरली ये देखा गया है कि स्टेशन सेंटर में होता है शहर के, तो दोनों तरफ की एंट्री डेवलप की जा रही है, और स्टेशन को मेन कल्चरल सेंटर, मेन सेंटर ऑफ द टाउन माना जाएगा, बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट भी किया जाएगा, उसमें ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि उस एरिया की जो खासियत है, उस एरिया में भी कोई ऐतिहासिक उस एरिया के है, या कोई मंदिर है, या कोई पौराणिक उसकी विशेषता है, उस हिसाब से उसका आर्किटेक्चर बना।